सर, इसके बारे में तो हमारे मधुमेह शर्मा जी बता सकते हैं, क्योंकि ये गाना एक रोमांटिक गाना है, एक सिंगल सॉन्ग है, और दूसरी बात मधुमेह जी ने मुझे इस गाने के लिए तकरीबन 6-7 महीने पहले कॉल किया था, बट किसी कारणवश मैं बाहर था और मतलब वक्त नहीं मिल पा रहा था कि ना ये गाना रिकॉर्ड किया जा सके, लेकिन इन्होंने मुझे जब ये बात कही कि ये गाना आपको माइंड में रख के मैंने बनाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाना गाने का स्क्रैच भी उन्होंने मुझे भेजा, जो मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा गाना, तो इस वजह से फिर मैंने ये गाना रिकॉर्ड करने के लिए मैं आया। और क्या होता है कि गाना जब कंपोज होता है तब कुछ और होता है, जब रिकॉर्ड होता है तो कुछ और हो जाता है। तो हमने इसको, इस गाने को जितना भी बेस्ट में बेस्ट करना कर सकते थे वो कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग जब ये गाना सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। अगर हम सॉन्ग की बात करें, जैसे आपके सॉन्ग गाने के तरीके यूनिकनेस होता है, भले कुछ भी सॉन्ग हो, चले हो क्वाली हो या रोमांटिक सॉन्ग, ये जब आप गाते हो तो कैसे, क्या जहन में आते कोई भी सॉन्ग के लिए? क्या होता है ना, एक वर्ड्स, लिरिक्स और कंपोजिशन अपने आप रास्ता बता देती है कि इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, या इस गाने का टेक्सचर क्या होना चाहिए, या इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो जब ये गाना आया मेरे सामने तो मैंने दिमाग में बसा लिया था कि इस गाने को ऐसा टेक्सचर चाहिए, या ऐसा फील चाहिए, या फिर ऐसा अप्रोच होना चाहिए इस गाने के लिए। बिकॉज इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि ना, ये गाना आपको माइंड में रख के, मैंने जो पहले गाने गाए हैं उनको दिमाग में रख के ये गाना बनाया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन गानों का एक फील या अप्रोच उसके अंदर आएगा। तो इस तरह से मैं अपने आप डिज़ाइन कर लेता हूँ कि वर्ड्स क्या कह रहे हैं या कंपोजिशन क्या डिमांड कर रही है, तो इस तरह से धीरे धीरे चलता बन जाता है। सेम टाइम अगर हम कंपोजिंग कंपोजर की बात करें, भले या रहमान से लेके न्यू कंपोजर लेके इतने सारे अपने कंपोजर के साथ बात किया, कोई अगर न्यू कमर आते कंपोजर या बड़े आता है, तो आपके जहन में क्या फील आता है कि आप तो 100% देते हैं, जो कंपोजर होता है उनके लिए क्या मतलब कुछ आप टिप्स देते हैं या किस तरह से? नहीं, टिप्स की बात नहीं है, एक्चुअली हर कंपोजर का अपना एक विजन रहता है और हर इंसान का अपना अपना विजन रहता है। एक कंपोजिशन कंपोजर अपने स्टाइल से सोचता है, लेकिन जब सिंगर आता है तो उसका अलग विजन रहता है उस कंपोजिशन, तो दोनों का जो विजन है वो मैच होना बहुत ज़रूरी है। कुछ हमारी, हम अपनी बात उनको कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वो सुनते हैं, कुछ उनकी बात हमें सुननी पड़ती है। ऑफकोर्स कंपोजर है, क्रिएटर है, तो उसका ख्याल भी हमें रखना बहुत ज़रूरी है, तो दोनों को मैच करना ज़रूरी है थिंकिंग वाइज। सर, आपसे जानना चाहिए हम कंपोजिंग के बारे में, लाइव म्यूजिक में अभी तो आना बाकी है, फ्यूट होगा, गिटार होगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बट ये जो कंपोजिशन हुआ, जो जर्नी ट्रेवल मैंने किया, तो ट्रेवल करते वक्त ही क्लियर हो गया कि बस इसमें एक ही आवाज आएगी, जो एक इनकी आवाज में जो एक खनक है वो बस बैठी हुई थी कि बस जावेद भाई से ये गाना गवाना है, और रियली बहुत ही अच्छा हुआ है गाना। और जो मेलेडी, मतलब जो एक्चुअली एक ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे थे, लेकिन इनकी जो आवाज है वो जहन में बिल्कुल फिट हो गई थी कि बस और कोई चाहिए नहीं चाहिए, और बहुत ही बेहतरीन गाया। अभी हमने सुना गाना असले काफी अच्छा था। अगर हम जावेद भाई की बात करें, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी गाते हैं, उनके अलग ही एक टोन निकलता है। अगर हम सॉन्ग्स की बात करें, आपके अब तक के सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन है जावेद भाई के? जावेद भाई का एक सॉन्ग तो है नहीं कि मैं बताऊं, अब बहुत सारे लिस्ट तो लंबे हैं, ऑलमोस्ट सारे गाने इनके बहुत ही अच्छे हैं। तू जो मिला, तू ही सारे गाने, मतलब सारे गाने अच्छे हैं। अभी जावेद भाई, लास्टली अगर हम एल्बम की बात करें, जैसे कि अभी सिंगल सॉन्ग आता है, जी जी, ये एक दौर है, आपको लगता है कि म्यूजिक का नया प्लेटफॉर्म आ गया? नहीं, मुझे लगता है कि ना बहुत बड़ा एक प्राइवेट म्यूजिक का एक मार्केट ओपन हुआ है, क्योंकि इंडिविजुअल म्यूजिक बहुत हो रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं बल्कि, और अप्रिशिएट भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल म्यूजिक में और प्राइवेट म्यूजिक का जो एक जो दौर है वो ओपन अप होने से कोई भी इंसान जो भी हो, चाहे उसको ये नहीं कि मैं समझता हूँ कि क्योंकि इतने सारे सिंगर्स हैं, लाखों सिंगर्स हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में या फिर बॉम्बे में, अब सबको गाना मिले फिल्म का ये ज़रूरी नहीं है।
तो क्या है कि लाइव म्यूजिक प्राइवेट म्यूजिक करके या फिर इंडिविजुअल म्यूजिक करके वो अपनी आवाज अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचा सकता है, ये एक एडवांटेज आया है इसमें। एक कंपोजर भी अपना गाना कंपोज करके उसके गाने को करोड़ों लाइक्स मिल जाते हैं, तो ये एक अच्छा दौर है और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अलग सोच होती है, हर आर्टिस्ट का, हर इंडिविजुअल इंसान की एक अलग अपनी एक अप्रोच होती है म्यूजिक के लिए, तो वो करने का एक अच्छा मौका है। कल आज जैसे कि अभी का दौर है, हर सिंगर या जो भी है खुद का सीन मतलब गाना गाते हैं प्लस वो उसको उस तरह से पिक्चराइज करता है, तो जावेद भाई को हम इस तरह से नहीं देखे, क्या रीजन है? नहीं सर, मेरे तो अभी 3 गाने रिलीज हो चुके हैं ऑलरेडी, रंगरेजिया सोनी DIDC से रिलीज हुआ है, वो बहुत अप्रिशिएट हुआ, उसके बाद में आया तो ये सुबह नहीं, और उस गाने में ना मैंने एक कुछ ट्रिकी कंपोजिशन वाइज किया था, जैसे मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ उसका, तो नहीं ये जो आपको समझ नहीं आएगा कि ना ये मैंने क्या किया, बट है बहुत डिफिकल्ट चीज़, तो कई लोगों को ऐसा लगा कि ये हमने मशीन से किया लेकिन मैं वो गाया है, तो ये बहुत अप्रिशिएट हुआ और ऐसे बड़े बड़े लोगों ने मुझे ब्लेसिंग्स दिया जब ये गाना रिकॉर्ड रिलीज हुआ। हमने इसका ना ट्रीटमेंट मॉडर्न रखा था, बट जो कंपोजिशन था उसमें एक थोड़ा सा एक क्लास रखा था, तो बहुत अप्रिशिएट हुआ। फिर थर्ड मेरा भी HMB से रिलीज हुआ, एक रिक्रिएट किया मैंने नजर ना लग जाए, जो भी जो अब बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। फिर फोर्थ अभी एक डिफरेंट मैंने किया है, वो अभी कुछ दिन अभी रिलीज हो चुका है, उसका सब पोस्ट प्रोडक्शन सब कंप्लीट हो चुका है, वो एक रिलीज होने वाला है। तो ऐसे करके काफ़ी चीज़ें आ रही है, प्लस आपका इनका मधुमेह जी का भी बहुत अच्छा गाना अभी ये जो हमने रिकॉर्ड किया वो रिलीज हो रहा है जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तो हार्दिक पंड्या वाली कंट्रोवर्सी पर आपका क्या रिएक्शन आया? एक्चुअली मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच था उस चीज से, मैंने सुना ऊपर से कि कुछ हुआ और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया, बट मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उन्होंने क्या कहा या क्या कंट्रोवर्सी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सॉन्ग की मैं बात करता हूँ तो ये लव रोमांटिक सॉन्ग बनाया है, और सैम जैसे कि आप जानते हैं कि सैम को ही देख के बनाया है, कि सैम जो है लॉन्च होने वाला है बॉलीवुड में एज ए एक्टर और एज ए एल्बम से लॉन्च हो रहा है, तो इनको देख के इनकी पर्सनालिटी को देख के और बहुत सारे वेरिएशन है गाने में, जब गाना आपने सुना ही होगा तो बहुत सारी चीज़ें, वीडियो जब मैं बनाऊंगा इसे तो वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आएगा, और उसमें मैं लव एंगल भी दिखा सकता हूँ, थोड़ा इमोशनल पन भी दिखा सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको गाने में देखने को मिलेगी। एज ए डायरेक्टर हमेशा ड्रीम होता है कि मैं किसी भी सॉन्ग अगर गाऊंगा तो किसी सिंगर, तो आपको पहले से माइंड में था कि जावेद अली से सिंगिंग करेंगे? नहीं, ये तो म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर, जब मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि मुझे गाना बनाना है, एल्बम बनानी है, तो उन्होंने वो मिले कुकू प्रभा जी से जो हमारे इसमें एल्बम के जो राइटर हैं, तो उन्होंने ये लिखा, उसके ऊपर डिसाइड हुआ, फिर पहले फर्स्ट म्यूजिक बना और फिर उसके ऊपर लिरिक्स लिखे गए, उसके बाद डिसाइड हुआ कि कौन सारे सिंगर गा सकते हैं, तो 3-4 सिंगरों के नाम थे, शान हो गया और जावेद अली हो गया, तो फिर जब उसमें कंपेरिजन करा गया तो जावेद की आवाज़ बहुत अच्छी जा रही थी, तो उन्हें अप्रोच गया करा गया, फिर जैसे उन्होंने बताया 1-2-3-4 महीने हो गए उन्हें, तो बस उनको ही ध्यान देख के बनाया गया। काफ़ी अच्छा, इट वॉज लाइक फॉर मी इट वॉज वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी हेयर, जहाँ पर मैंने खुद के गाने को सुनते हुए देखा। नॉर्मली होता क्या है कि वी यूज टू गेट अप्रोच फ्रॉम द मीडिया फ्रॉम द प्रोडक्शन कंपनी, वेयर हमें गाना सुनाया भी नहीं जाता, हमें अप्रोच होता है, देन वी हैव टू एक्ट ऑन दैट, एंड व्हेन आई सी लाइक लाइव माई रिकॉर्डिंग, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर मी, इवन अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी कि आई कैन ईजिली परफॉर्म वेरी वेल ऑन द सेट, सो मुझे रिमाइंड नहीं करना पड़ेगा, इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी। ओके, लास्टली आप दोनों से जाना चाहिए ना, जैसे कि हमने सॉन्ग देखा काफ़ी रोमांटिक है, तो ये कोरियोग्राफर के लिए किसके माइंड में रखा है कि इनके इससे कोरियोग्राफी कराएंगे? दैट विल कम सून, स्टिल जस्ट लुकिंग फॉर हु इज बेटर, लाइक वी वॉन्ट अ बेटर एंड बेटर फॉर दिस, सो स्टिल देयर इज इन सम पीपल ऑन द माइंड, सो विल जस्ट Okay, thank you so much. Thank you.
Oh,